गढ़ चिरौली जिले की तर्ज पर गोंदिया जिले के नक्सल विरोधी अभियान में सम्मिलित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पहले की तरह ही डेढ़ गुना वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग को आदेश प्राप्त होते ही 3 अक्टूबर को शासन निर्णय जारी कर तत्काल लागू कर दिया है। इस निर्णय के लागू होने के बाद अब जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते में डेढ़ गुना वृद्धि का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि नक्सल प्रभावित गोंदिया जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी जान खतरे में डालकर कर्तव्य पालन करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्ष 2011 से नक्सल विरोधी अभियान के लिए डेढ़ गुना वेतन दिया जाता था, लेकिन अप्रैल 2021 से यह बंद कर महाविकास आघाड़ी सरकार ने पुलिस कर्मियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद सितंबर माह में गोंदिया भंडारा के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फुके ने संवेदनशील गोंदिया जिले के पुलिस कर्मियों की इस समस्या को देखते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर गढ़चिरौली जिले की तर्ज पर गोंदिया जिले के नक्सल विरोधी अभियान में सम्मिलित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पहले की तरह ही डेढ़ गुना वेतन एवं महंगाई भत्ता देने की मांग की थी। विधायक परिणय फुके के पत्र में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गोंदिया जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनके वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि कर महंगाई भत्ता देने के आदेश गृह विभाग को दिए। आदेश प्राप्त होते ही 3 अक्टूबर को शासन निर्णय जारी कर यह निर्णय लागू कर दिया है। इससे अब जिले के पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते में डेढ़ गुना वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिस पर अधिकारी कर्मचारियों ने विधायक फुके के प्रति आभार व्यक्त किया है।